फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सौते वेजी, जिसके लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं। एक कप क्यूब्स साइज में कटे हुए पनीर है, एक कप शिमला मिर्च को हमने बड़े बड़े पीसीज में काटा हुआ है, एक कप फूलगोभी है बड़े साइज में कटा हुआ, हाफ कप बीन्स है, एक कप डाइस किए हुए बड़े बड़े पीस में कटे हुए प्याज है और एक कप मशरूम है। ये हाफ कप स्वीट कॉर्न है, हाफ कप लंबी कटी हुई गाजर है, आधा नींबू है कटा हुआ, थोड़ी सी कटी हुई लहसुन है, बारीक चॉप की हुई लहसुन जिसका टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा सा एक इंच टुकड़ा अदरक का है, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ी सी काली मिर्च एंड थोड़ा सा सॉल्ट। बस इसमें इतने ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। शुरू करते हैं फ्रेंड्स इसको बनाना। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें एक चम्मच ऑयल। ऑयल इसलिए डालते हैं कि अगर हम उसमें डायरेक्ट बटर डालते हैं तो वो जल जाता है बटर, जिससे कि रेड हो जाता है, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। अब इसको हम तेल डालेंगे, ये पिघल जाएगा, उसके बाद फिर इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे बनाई बंद करके। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे गोभी, क्योंकि ये थोड़ा गलने में टाइम लेता है, इसलिए जो वेजिटेबल्स थोड़ा टाइम लेती हैं गलने में उनको हम पहले डालेंगे। फिर बीन्स, उसके बाद कैरेट्स, उसके बाद कॉर्न और इसको चलाएंगे। इनको करीब 2 मिनट तक चलाएंगे जिससे कि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए। फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके बाद में डालेंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी मैं आगे नया वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे और आप उसको अच्छे से देख सकें। अब ये देखो इसको चलाते हुए करीब करीब 2 मिनट होने को आए हैं। अब मैं इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डालती हूँ, शिमला मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन। लहसुन और अदरक को मैंने बाद में इसलिए डाला है कि इसका फ्लेवर बाद में डालने से अच्छा होता है। होता क्या है, बटर में डालने से जल जाता है तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। अब हम इसको चलाएंगे और बाकी की वेजिटेबल्स को और बाद में डालेंगे। अभी गैस को मीडियम स्लो पर रखेंगे जिससे कि हमारी वेजिटेबल जले ना और अच्छे से कुक हो जाए। बहुत ही हेल्दी और लाइट डिश है, बच्चे इसको खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इससे वेट नहीं बढ़ता और पेट भर जाता है। अब इसमें डालेंगे हम मशरूम। लास्ट में मशरूम इसलिए डालते हैं कि मशरूम बहुत जल्दी कुक होता है। और पनीर, थोड़ा सा सॉल्ट, मैंने करीब आधा टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा जो जितना खाना होता है। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो फिर हम चलाएंगे इसे। वेजिटेबल्स इसमें मैंने ही डाली है, उससे अलग भी आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। लाल शिमला मिर्च है, पीली शिमला मिर्च है, या आपके टमाटो डालने हैं, या कुछ बेबी कॉर्न डालने हैं, आप जो भी डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी हमारी सारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी हाफ कुक हैं, थोड़ा सा इसको और कुक करना है जबकि खाने में हमें कच्चापन महसूस ना हो, इसके लिए हम इसको कवर करेंगे। लिड से हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। ये मैंने कवर कर दिया और हम इसको 2 मिनट बाद देखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देखते हैं
हैं कि ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है ऑलमोस्ट हमारी डिश रेडी है। इसमें अब हम लेमन जूस डालेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर देता है लेमन जूस। बहुत से लोग ऑरिगेनो भी डालते हैं बट मेरे को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती। मैं सिर्फ इसमें नमक काली मिर्च एंड लेमन जूस ही डालती हूँ। बहुत अच्छी कलरफुल देखने में भी अच्छी और खाने में भी अच्छी फिर बहुत अच्छी भी आ रही है। बस इसको थोड़ा सा और चलाएंगे फिर हमारे खाने के लिए रेडी हो जाएगी। ये हमारा अब रेडी हो चुकी है वेजी। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्लेट में। देखिए कितना कलरफुल खाने में जो भी खाएगा इसको इसकी तारीफ देखना नहीं रहेगा। आप बनाइए और खिलाइए अपने फैमिली मेंबर्स को। ये बनके तैयार है सौते वेजी।